बुद्ध की मूर्ति अगर दोबारा पाकिस्तान के लोगों ने तोड़ने की कोशिश किया तो भारत में मस्जिद भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कि जिस तरह से अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, आज अफगानिस्तान खत्म हो गया तो पाकिस्तान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर बुद्ध की मूर्ति दोबारा तोड़ा तो। कि यहाँ के जितने भी मौलवी हैं, बड़ी बड़ी मुसलमानों की संस्थाएं हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो कहते हैं दलित मुस्लिम भाई भाई। आज हमारे बुद्ध के ऊपर जब ऐसा हुआ, एक भी भारत का मुसलमान आगे आकर के नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। पंडित जी, आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं, हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, किस धर्म में जा रहे हैं? पाकिस्तान में भगवान बुद्ध की 18 जुलाई को वहाँ के मौलवियों ने उनकी मूर्ति को तोड़ा है, उसके संबंध में आज हम लोगों ने शांति प्रदर्शन करके और पाकिस्तान एम्बेसी को बताना चाहते हैं कि भारत से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ चाणक्यपुरी में और चाणक्यपुरी थाने के पास बिल्कुल यही खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर 3 मूर्ति चौक भी है। और यहाँ पर एक आंदोलन ये हो रहा है कि पाकिस्तान में 18 तारीख को बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी। जानने की कोशिश करते हैं संघ प्रिय राहुल भंते जी से कि क्या मानसिकता थी जो बुद्ध की मूर्ति उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। देखिए, पाकिस्तान के जो मौलवी लोग हैं, 18 जुलाई को तथागत भगवान बुद्ध जो दुनिया की रोशनी देने वाले, उनकी मूर्ति तोड़ी गई, घोर निंदा मैं करता हूं। और पाकिस्तान के मौलवी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम शांति के संदेश देने वाले लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन हमारे बुद्ध की मूर्ति अगर दोबारा पाकिस्तान के लोगों ने तोड़ने की कोशिश किया तो भारत में मस्जिद भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप ये कह रहे हैं कि भारत में मस्जिद भी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्या ये पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया है या भारत के? नहीं, भारत के मुसलमान जो लोग हैं उनको खुलकर आना चाहिए अगर वो भारत में बुद्ध की बात करते हैं और बुद्ध की करते हैं, लेकिन एक भी मुसलमान भारत का उस पर खुलकर आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने बात नहीं आ रहा है और पाकिस्तान के लोगों ने को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, आज अफगानिस्तान खत्म हो गया तो पाकिस्तान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर बुद्ध की मूर्ति दोबारा तोड़ा तो। आप क्या कहना चाहेंगे कि बुद्ध की मूर्तियां जगह जगह तोड़ी जा रही हैं, पाकिस्तान में जो मूर्ति तोड़ी गई है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक घोर निंदा है कि पाकिस्तान में अभी तक माना जाता है जो बुद्ध के समय है, जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है क्या नाम बौद्ध शिक्षा का, और वहाँ पर तक्षशिला महाविहार भी रहा है, यूनिवर्सिटी रही है जी। और इसके अलावा बड़ी बड़ी वहाँ पर मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की, अशोक स्तंभ वगैरह वहाँ पर मिली हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान सरकार को थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि बुद्ध का जो आज पूरे विश्व में है, तो बुद्ध जहाँ मिल रहे हैं, बुद्ध की मूर्ति मिल रही है, उनका अपमान ना करते हुए उनको संरक्षित करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल राहुल भंते जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान एम्बेसी में अगर आप गए थे ज्ञापन देने के लिए, अगर वहाँ आपकी मांगे अगर मानी नहीं जाती हैं तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, कोरोना के वजह से आज हम लोग संख्याएं हमारी कम थी जी। और कोरोना के हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रोडों पर उतरेंगे और इसके बड़ा आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे जी। आपने अभी भी कुछ थोड़ा बहुत आंदोलन करने की कोशिश करी थी तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया? देखिए, दिल्ली पुलिस ने आंदोलन में हमारे बाधा नहीं डाला और हमें उनकी पूरी सहयोग रही और दिल्ली पुलिस हमें पूरी सहयोग किया, तो हम दिल्ली पुलिस के सहयोग से ही हम वहां जा पाए, क्योंकि कोरोना के वजह से होम मिनिस्ट्री ने सब चीज़ बंद कर रखा है, तो हम दिल्ली पुलिस के सहयोग से ले, दिल्ली पुलिस के लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। आगे अगर कोई आंदोलन होगा तो कितने बौद्ध भिक्षु और बुद्ध के अनुयायी साथ में होंगे आपके? देखिए, आज भी हमारी पूरी तैयारी थी 500 बौद्ध भिक्खु की जी। जो हमारी सारी बसें बाहर खड़ी हैं जी। और हमें केवल परमिशन 5 बौद्ध भिक्खुओं को मिला था, तो हम 5 बौद्ध भिक्खु अपने भारत के संविधान के अनुसार 5 बौद्ध भिक्खु ही गए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ भंते संघ प्रिय राहुल जी, और मैं आपको बता दूं कि 500 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आए थे बसों में भर के, पर किसी भी बस को यहाँ तक आने नहीं दिया है और चाणक्यपुरी थाने से पहले ही उन सबको रोक लिया गया है और यहाँ पर कोई आंदोलन भी नहीं करने दिया है और ज्ञापन दिया गया है जो कि ज्ञापन पाकिस्तान एम्बेसी में वो लोग पहुँचा चुके हैं। भारतीय बौद्ध संघ पाकिस्तान एम्बेसी पे आज प्रदर्शन किया, अपनी बात रखा और हमने एम्बेसी को एक ज्ञापन भी दिया
कि जिस तरह से पाकिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, भारत और पाकिस्तान बंटवारे के समय ये समझौता हुआ था जिन्ना जी से कि जो मूर्तियां या जो मंदिरें पाकिस्तान में हैं वो सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वहां के मौलवियों ने जो हमारी मंदिरें थी बौद्ध विहार थे उनको उन लोगों ने तोड़ा है। 18 जुलाई को बुद्ध की मूर्ति को बहुत बुरी तरह से खंडित किया गया, चप्पलों से मारा गया। इस तरह से मैं घोर निंदा करता हूं और मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान के उन मौलवियों को, पाकिस्तान के उन काफिरों को जो अपने आप को बुद्ध की बात को जो दुनिया ने माना और बुद्ध के साथ जब अफगानिस्तान ने बुद्ध की मूर्ति तोड़ा तो आज अफगानिस्तान कहीं भी नहीं है, तो बुद्ध से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत भिक्खू, शांति का पुजारी हम लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, करुणा मैत्री के पथों पर चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर भगवान बुद्ध के विचारों को और उनके मूर्तियों को कुचला जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, और दोबारा ऐसा हुआ तो उसका उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा जो वहां के मौलवियों ने किया है। दूसरी बात, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यहां के जितने भी मौलवी हैं, बड़ी बड़ी मुसलमानों की संस्थाएं हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो कहते हैं दलित मुस्लिम भाई भाई। आज हमारे बुद्ध के ऊपर जब ऐसा हुआ, एक भी भारत का मुसलमान आगे आकर के नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। इससे मानसिकता पता लगता है कि उनकी मानसिकता क्या है और उनकी मानसिकता हमारे प्रति क्या है, ये ऐसा मालूम होता है। तो मैं घोर निंदा करता हूं और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोरोना के कारण हम बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम नहीं करें। अगर दोबारा बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई तो पूरे भारत में भारतीय बौद्ध संघ रोड पे आकर के धरना और प्रदर्शन के माध्यम से उनका विरोध करेगा। तो चार लोग पकड़े गए वहां पर, मौलवी और उनके साथ के लोग, उनके लिए आप क्या पनिशमेंट चाहते हैं? देखिए, ये तो उनका एक दिखावा है कि पकड़ करके बाद में छोड़ गए। कई आतंकवादी जिन्होंने देश में भारत के अंदर बम ब्लास्ट किया, उनका नाम भी आया लेकिन छोड़ देते हैं। मैं भारत के भी राष्ट्रपति और महामहिम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उन चारों लोगों को जिस तरह से बुद्ध की मूर्ति को खंडित किया गया है उनके साथ फांसी उनको दिया जाए, यही मेरी मांग है। आप पाकिस्तान एम्बेसी अभी गए थे, क्या जो पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी दूतावास बैठा हुआ है उन्होंने कोई एक्शन लिया है? अभी मुझे, मैंने आज क्या है, अभी उसकी कोई जानकारी हमें नहीं है और उसकी जानकारी जैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। जितने भी बौद्ध भिक्षु भारत में है, क्या उनका आंदोलन किस वारदात पे होने वाला है या होने की कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए, कोरोना के कारण हम लोगों ने प्लानिंग किया है, जिस दिन कोरोना खत्म होगा या कोरोना भारत सरकार हमें परमिशन देगा उस दिन हम पूरे भारत में हम ये आंदोलन करेंगे। आगे की क्या हुआ है, आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है, भारतीय बौद्ध संघ पूरे भारत में काम करता है बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा एवं अन्य संत महापुरुष जो भारत में जीवित और पर्यंत जिन्होंने काम किया है, जीवन भर उन्होंने कार्य किया है, उनके लिए कार्य करता है। अगर हमारे महापुरुषों के साथ इस तरह से अपमान होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। देखिए, भारत के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनसे तो मेरी खास कर शिकायत है, लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं जो अपने आप को कहते हैं कि दलित बौद्ध हम लोग भाई भाई हैं, तो क्यों नहीं आवाज निकालते, क्यों नहीं आवाज निकालते? इसके लिए मुझे यहाँ के मुसलमान भाई जो लोग हैं, जो उनके मौलवी हैं, उनके ठेकेदार हैं, उनसे मेरी ये शिकायत है। देखिए, जब भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने CA और नागरिकता संशोधन बिल जब उन्होंने संसद के दोनों सदनों में पास किया, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी धारा 370 के भी खिलाफ थे, फिर भी यहाँ के मुसलमानों का साथ हमारे कुछ अम्बेडकरवादियों ने दिया, तो आज भगवान बुद्ध की जब मूर्ति तोड़ी जा रही है तो इनको दिखावा नहीं दे रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस विचारधारा को 56 में उठाने की कोशिश किया, भगवान बुद्ध का विचारधारा, तो उनके भगवान बुद्ध की जब मूर्ति तोड़ी जा रही है तो क्यों नहीं पाकिस्तान के इन मौलाना लोगों को और मौलाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए?